सो नागपुरियांस, फिलहाल मैं हूँ केपी ग्राउंड पे और यहाँ पे हर साल के जैसे एस यू नो रावण दहन होने जा रहा है। सो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा व्यू। दिस इज केपी ग्राउंड कस्तूजन पार्क का ये पूरा ही प्रेमाइसिस आप देख सकते हो। अगर आप रिजर्व बैंक की तरफ से आते हो तो आपको ये पोर्शन देखने मिलता है। वैसे तो कस्तूजन पार्क के दो तीन गेट है और मैं फिलहाल आई हूँ एकदम फ्रंट गेट से। साइड में अगर आप देखो तो ये एंट्रेंस का पोर्शन है पूरा ही, साथ ही में यहाँ पे बहुत सारी चेयर का सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है। अगर आपको केपी ग्राउंड का रावण दहन देखना है जो कि आज शाम को 6 बजे से स्टार्ट होता है, तो आपको एंट्री पासेस लगेंगे और पासेस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। इस साइड पे आपको यूज से स्क्रीन देखने मिलेगी जहाँ पे ये पूरा ही प्रोग्राम आप देख पाओगे। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग सेक्शन में सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है। पासेस के रेट के हिसाब से VIP और नॉर्मल पब्लिक के लिए अलग से सिटिंग अरेंजमेंट है। इसी एरिया में आपको टिकट काउंटर मिलेगा जहाँ पे 2100 से टिकट प्राइस स्टार्ट होती है, जिसमें 3 से 4 लोग जा सकते हैं एक पास पे। और यहाँ पे आप रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के स्टैचू देख सकते हो। इन्हें यहाँ पे रात को 7 बजे जलाया जाएगा और ये पूरा ही एरिया पब्लिक से क्राउडेड रहेगा। सो जल्दी से पासेस कलेक्ट कर लीजिए। और हाँ, अगर आपके पास में पासेस है तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी आइए क्योंकि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत जल्दी हाउसफुल हो जाता है। रावण दहन के साथ साथ यहाँ पे रामायण, रामलीला भी आपको देखने मिलती है जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं। कस्तूजन पार्क सबसे बड़ा रावण दहन होता है हमारे नागपुर में, आप सभी जानते हो। और इसी के साथ साथ कुछ छोटे छोटे इवेंट्स और ऑर्गेनाइज हुए हैं, जैसे कि अवस्थी स्क्वायर पे भी रावण दहन है, साथ ही में किट्टी गदान ग्राउंड पे भी आपको देखने मिलेगा रावण दहन। अपने अपने एरिया के हिसाब से जा सकते हो या फिर आपको यहाँ पे आना है तो यहाँ पे तो पासेस वाला सिस्टम रहता है, अदरवाइज आपको पूरे ही केपी ग्राउंड के बाहर से देखना पड़ेगा जो कि बिल्कुल वर्थ इट नहीं होता है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो आपको टिकट काउंटर देखने मिलेगा जो कि शुरू है, सो आप टिकट्स कलेक्ट कर सकते हो। और ये देख लो, ये पूरा बाहर से कैसा व्यू लगेगा आपको, फ्रंट पोर्शन से कितनी दूरी पे देखने मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है।